मैम आपका पार्सल। अरे मैंने कोई ऑर्डर वॉर्डर नहीं करा था, ये मेरा पार्सल नहीं है। आपको जरूर कोई गलत फहमी हो गई है, चाहिए यहाँ से। मैम आपका ये भैया, आप साइड हटिए, मैंने कोई पार्सल नहीं मंगवाया, बोल दिया ना। मैम ये आप ही का है ना पार्सल? हाँ हाँ भैया, ये मेरा ही पार्सल है, शायद मे बी मैं गलती से भूल गई होंगी, दे दो आप, मेरा ही है। थैंक यू भैया, थैंक यू। भैया आपका पार्सल। मेरा पार्सल? मेरा तो कोई पार्सल नहीं आया। पैसे? इसके अंदर तो पैसे हैं भैया, इसके अंदर ना पैसे हैं, शायद किसी ने गलती से मेरे पास पार्सल कर दिया। अब एक काम करो, जहाँ से आप ये पार्सल लेकर आए ना, वहाँ पर वापसी कर दो। अरे भैया क्या कर रहे हो, इतने सारे पैसे निकले इस बॉक्स में, एक काम करते ना, वापसी क्यों दे रहे हो, आधे आधे बांट लेते हैं। भाई तुम पागल हो क्या, ये किसी के जरूरत के पैसे होंगे, मेहनत के पैसे होंगे, और तुम बोले आधे आधे कर ले। भाई ये ना गलत बात है, जिसके भी ये पैसे ना उसको वापसी करके आ जाओ, वरना मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा। ये लो बॉक्स। सॉरी भैया, सॉरी। भैया आपका पार्सल। मेरा पार्सल? हाँ हाँ मेरा ही पार्सल है। भैया सेंड कर दीजिए। थैंक यू भैया। अरे यार ये इंटरव्यू क्यों नहीं स्टार्ट हुआ अब तक? हाँ यार बाहर तो बोल रहे थे कि तुम दोनों लेट हो, जल्दी जाओ, इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला है। क्या मैनेजर ही नहीं आया अभी तक? बताओ कंपनी में अब तक मैनेजर ही नहीं आया, मैनेजर इतना लेट आएगा तो इंटरव्यू कैसे स्टार्ट होगा यार। अबे ओ डिलीवरी बॉय, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? तेरा काम तो घर घर पे जाके डिलीवरी करना है ना, तो तू यहाँ पर ये इतने अच्छे कपड़े पहन के मैनेजर की चेयर पे बैठ के क्या कर रहा है? तेरा दिमाग उमाग तो ठीक है ना? मैम मैं आपको एक बात बता दूँ, मैं कोई डिलीवरी वाला नहीं हूँ, मैं इस कंपनी का मैनेजर हूँ। वो सब ना, मैंने आप तीनों का इंटरव्यू लेने के लिए किया था, और जो यहाँ पे आप इंटरव्यू देने आए हो ना, वो इंटरव्यू मैं ही लेने वाला हूँ आप तीनों का। और ये तुम मैनेजर, ये सब चल क्या रहा है? ये सब मैंने इसलिए किया ताकि मैं आप तीनों की इंसानियत देख सकूं। आप एक बात बताइए मुझे, जो आपके घर पे बॉक्स आया था, उस बॉक्स में क्या था? वो बॉक्स में पैसे थे सर। पैसे थे सर? तुम बताओ उसमें क्या था? सर पार्सल में पैसे तो थे, पर वो पैसे मेरे नहीं थे। एब्सोल्युटली राइट, आपने सही कहा, उस बॉक्स में पैसे थे, लेकिन ना वो आप तीनों में से किसी के पैसे नहीं थे। पर उस बात को ना, ना तुमने समझा और ना तुमने उस बात को समझा सलमान ने। एक्चुअली ना उस बॉक्स में मैंने पैसे नहीं डालते, उस बॉक्स में डाला था मैंने तुम तीनों का टेस्ट, और उस टेस्ट में ना तुम दोनों फेल हो गए, और सलमान पास हुआ। तुम फेल होते हो ऑनेस्टी में, तुम फेल होते हो इंसानियत में, और तुम दोनों फेल होते हो औरों के पैसे अपने पास रखने में। तुम दोनों फेल होते हो एंड एक्सेप्ट सलमान। सलमान तुम जैसे एम्प्लॉय ना हमें इस कंपनी में चाहिए, जिनमें इंसानियत हो, और इसी कंपनी को क्या इस देश को भी तुम्हारे जैसे इंसान की जरूरत है, जो कि अपने हक को अपना समझते, किसी दूसरे के हक को अपना नहीं। रियली सलमान आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। और सलमान मुझे ये बताते हुए ना बहुत खुशी हो रही है आपको कि आप इस कंपनी के न्यू एचआर हैं, और आप दोनों प्लीज़ लीव। सॉरी सर, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, वो इतने सारे पैसे देख के ना मेरे मन में लालच उठा था, इसलिए मैंने वो पैसे ले लिए। बट सर आगे से मैं किसी का हक नहीं मारूंगी, आई प्रॉमिस सर, बस प्लीज़ मुझे इस बार माफ़ कर दीजिए, और इस जॉब की मुझे बहुत ज़रूरत है, आप प्लीज़ ये जॉब मुझे दे दीजिए, मैं बहुत आशा लेकर आई हूँ सर आपके पास, आप प्लीज़ ऐसा मत करिए, बस ये लास्ट गलती है सर। एक बार बोला ना जाओ यहाँ से, मुझे ना इस कंपनी में तुम जैसे एम्प्लॉय चाहिए ही नहीं, जिनमें ईमानदारी ना हो, इसलिए कह रहा हूँ जाओ यहाँ से। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे जॉब के काबिल समझा।